शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिन दहाड़े किस तरह से कुछ लड़के एक हिजाबी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 से 5 लड़के इस मुस्लिम लड़की के साथ इसलिए बदसलूकी कर रहे हैं कि इन्हें शक था कि ये लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी। लड़की के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मकई गेट के पास की ये घटना सोमवार को हुई थी और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रहा है। शहर के बेगमपुरा में इस घटना के संबंध में पुलिस मामला भी दर्ज कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक हिजाब पहनी हुई इस लड़की के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मोबाइल फ़ोन भी छीन रहे हैं। वीडियो में लड़कों से फ़ोन लौटाने की रिक्वेस्ट करते हुए भी सुना जा सकता है। पुलिस का ऐसा कहना है कि वीडियो के जरिए लड़की की पहचान भी की गई और उससे शिकायत दायर करने के लिए भी कहा गया, मगर उसने ऐसा करने से मना कर दिया है। जिसके बाद पुलिस उपायुक्त दीपक गिरहे ने बताया है कि यह घटना सोमवार को हुई और युवकों को संदेह था कि एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी। उन्होंने लड़की का पीछा किया और उसे परेशान किया। लड़की द्वारा शिकायत दायर करने से इनकार करने के बाद पुलिस ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत दर्ज कर ली है और इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। उसको पकड़ना था ना भाई, मोबाइल ले ले उसे, 2 मिनट रुक जाए, वैसा मत कीजिए, वैसा मोबाइल ना पार्टी बाहर, मोबाइल चल खुल ले,